आज जो ट्रॉफी हंटिंग का एक बड़ा ही अहम इवेंट होता है जिसमें बिडिंग करा के हम ट्रॉफीज जो हैं वो सेल करते हैं। इसमें तीन कैटेगरीज पे ये जो जानवर हैं वो सेल होते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरनर होते हैं उनके लिए, दूसरा नेशनल लेवल पे, और फिर तीसरा जो है जीबी लेवल के उसके लिए मख्स होता है। तो उसमें रेट्स भी डिफरेंट हैं। आज माशाल्लाह मारखोर का जो हुआ था, चार मारखोर हमारे पास थे, इंटरनेशनल बिडर्स आए थे, तो $1,86,000 पे जो हाईएस्ट बिड हुआ है वो इस पे हुआ है, और चारों के चारों 170 के अराउंड हुए हैं, और हमारी जो बेस प्राइस थी वो 90,000 थी $90,000। इसी हिसाब से फिर ब्लू शीप थे जो 8 हमारे पास इंटरनेशनल हंट थे, 8 के 8 बिक गए, 4 हमारे पास लोकल थे वो भी हो गए हैं, और कोई 50 के करीब हमारे पास आईबेक्स के हैं, वो सिलसिला भी स्टार्ट होने जा रहा है। आईबेक्स का 100 जानवर है जिसमें से 50 जो हैं वो इंटरनेशनली जाएंगे और 50 जो हैं वो जीबी नेशनल्स और पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए मुख्तस हैं। अच्छा सर, ये शिकार लाइसेंस दे के पैसे दे के कराने का मकसद क्या होता है? पहले ज़माने में वो टॉप डाउन अप्रोच थी ना, कि सरकार डंडा लेके खड़ा था और वो वाचर्स के ज़रिए से मैनेज होता था, तो वो कोई अच्छा रिजल्ट उसका नहीं निकला, कम्युनिटी से अनबोर्ड नहीं थी उस सिलसिले में ना। जब हमने लोगों के साथ इश्तराक से इस सिलसिले को चलाया और उनको जब पैसे मिलने शुरू हो गए तो उनको ये फीलिंग आ गई कि ये जानवर हमारा अपना है, और उसी हिसाब से वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इस वक्त। इससे जानवरों की अफजाइश नस्ल में कोई बेहतरी आई है? जी बिल्कुल बेहतरी आई है। पुराने वक्तों में ये हरली वाला एरिया है, आपको जानवर नज़र नहीं आते थे, उधर आपको जानवर दिखेंगे जुडियाल लाला में दिखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने ट्रॉफी हंटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है वहाँ जानवर नज़र आने शुरू हो गए हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। रीज़न ये है कि हम उस जानवर को हंट के लिए ऑफ़र करते हैं जो इंतहाई लागर हो चुका होता है, बूढ़ा होता है, उसने एक आध साल बाद वैसे ही मरना होता है, तो जो ओवर साइज या और मेच्योर जो एनिमल होता है उसको हंट के लिए ऑफ़र किया जाता है। तो उसी हिसाब से जो बकरी होती है या जो बच्चे होते हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वही जानवर जो ओवर मेच्योर है, जिसने एक आध साल वैसे ही मरना है, उसको शिकार किया जाता है। तो उससे फिर वो पॉपुलेशन भी सही रहती है, इनकम आती है उसका 80% उन्हीं लोगों को चला जाता है, और जो 20% है वो सरकार के उसमें चला जाता है। तो लास्ट ईयर हमने कोई 22 से कोई 27 करोड़ रुपए कम्युनिटीज में तकसीम किए हैं इसी सिलसिले में। ट्रॉफी हंटिंग में हमें दो फ़ायदा है, एक तो हमारे जो मुकामी लोग थे जिससे वो गैर ज़रूरी शिकार करते थे वो बच गए, जिसे हमें अभी जो हमें हंटिंग के लिए जो हमारे पास जो मेहमान आते हैं, जो हंटिंग होते हैं, जो गांव के जिस कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो उस कम्युनिटी में कम से कम उनकी स्कूल, उनकी अपना बिजली और काफ़ी जो ना बेवा उनकी जो ना सपोर्ट होते हैं इस पैसों से।